नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा आज का विषय इतना अद्भुत और अनूठा है जो आपके जीवन में तुरंत चमत्कार कर सकता है। ये एक ऐसा ध्यान है जो आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है, आनंद से भर सकता है और आपको समस्त दुखों से बाहर कर देता है। अगर आज आप इस ध्यान को शुरू करेंगे तो ये आज से ही आपके लिए काम करेगा। कोई प्रतीक्षा नहीं, कोई समय नहीं, अभी और यही, कहीं कोई कल नहीं, कहीं कोई भविष्य नहीं। ना तो ये भविष्य का स्वर्ग है, ना ही ये भविष्य का मोक्ष है, जो भी है अभी और यही है। इसलिए आज का विषय केवल उन मित्रों के लिए है जो अपने जीवन में ही सब कुछ पाना चाहते हैं, जिनकी दृष्टि जीवन पर है, मृत्यु पर नहीं, जिनकी आस्था अभी के पल में है। क्योंकि जीवन अभी के पल में है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। एक ऐसा ध्यान जो आपको सब कुछ दे सकता है, जिससे आप समझ जाते हैं कि सब कुछ आपके ही हाथ में है। फिर चाहे वो धन हो, पद हो, स्वास्थ्य हो, कुछ भी हो, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप इसकी गहराई में जाते हैं तो अपने शारीरिक रोगों से भी मुक्त हो सकते हैं। इतना अनूठा ध्यान का प्रयोग शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना सरल प्रयोग इससे ज्यादा सरल कुछ भी नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात कि इस प्रयोग में आपको इतना आनंद आने वाला है जिसे आप पहली बार जानेंगे। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ध्यान का अर्थ है अपने मन पर पूरा नियंत्रण, आपके वश में हो जाना। जहाँ आप मन को ले जाना चाहे मन वहीं जाए, जो आप सोचना चाहे आप वहीं सोचे। अगर मन को खाली करना चाहे तो तुरंत कर सके, मन शून्य में विश्राम कर सके, मन आपके आदेश का पालन करे। सारा संसार आपके मन का ही खेल है। जिस दिन आप अपने मन को समझ जाते हैं उसी दिन आपके लिए सब कुछ बदल जाता है। मन का रूपांतरण ही जीवन का रूपांतरण है। ये ध्यान इतना सरल है, इतना सरल। सच तो ये है कि आप पहले से ही इसे जानते हैं। आपने अनजाने में ही सैकड़ों बार, हजारों बार इस ध्यान का प्रयोग किया है, लेकिन विपरीत प्रयोग किया है, उल्टा प्रयोग किया है। इस ध्यान का प्रयोग आपने अपने को दुखी करने के लिए किया है, लेकिन याद रखें, जो क्रिया, जो प्रयोग आपको दुख में ले जा सकता है, अगर आप उसकी कमियां को समझ लें, उसकी कार्य प्रणाली को समझ लें, तो वही प्रयोग आपको सुख में भी लेकर जा सकता है। इसे आप एक सीढ़ी की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जो सीढ़ी आपको ऊपर से नीचे लेकर आ सकती है, वही सीढ़ी नीचे से ऊपर भी लेकर जा सकती है। सीढ़ी तो वही है, प्रयोग वही है। आपकी इच्छा है कि आप नीचे जाएं या ऊपर जाएं, आप दुख में उतर जाएं या आनंद के आकाश में उड़े। क्योंकि आप मन को नहीं समझते हैं, आप मन के खेलों को नहीं जानते हैं, केवल इसीलिए हमेशा उसका प्रयोग अपने ही विपरीत करते हैं, अपने ही विरोध में करते हैं। वास्तव में आज के ध्यान का उद्देश्य गहरी समझ को प्राप्त करना है, अज्ञान से ज्ञान में प्रवेश करना है। जीवन के जंगल में भटक जाना बहुत आसान है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। भटकने के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर सही मार्ग तलाश करना हो तो ज्ञान की आवश्यकता है। फिर ज्ञान भी कोई बाहर का ज्ञान नहीं, आपके ही भीतर का ज्ञान, अपने ही मन को समझना। आज के इस विषय को आप बार बार सुने और प्रयास करें कि ये आपके अंदर मन में उतर जाए, ये आपका स्वभाव बन जाए, ताकि आप हमेशा ऊर्जा से भरे रहे। आपके सुख, आपके दुख, आपका आनंद और आपकी पीड़ा, आपकी भावनाएं और आपकी चाहे, यहाँ जो कुछ भी है सब आपके मन से जुड़ा है। न जाने कौन सी दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस संसार में घट गई कि जहाँ जहाँ से आपको आनंद मिल सकता था, जहाँ जहाँ से आपको जीवन की खुशियाँ, जीवन के सुख मिल सकते थे, उन सबको भूल कर आप केवल दुख में उतरने की कला में निपुण हो गए हैं। आप कभी देख भी नहीं पाए कि कैसे आप अपने दुखों को निर्मित कर लेते हैं, कैसे अनजाने में ही आप अपने ही शत्रु बन जाते हैं, कैसे आप जाकर कांटों से उलझते हैं, फूलों की तरफ कभी आपकी नजर ही नहीं उठती है। आपका पूरा जीवन ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। जब किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया, कोई गाली दी, बस आप दुखी हो गए। फिर इतना ही नहीं, गाली कल दी थी, लेकिन आप आज भी दुखी हैं। उसी बात को याद कर करके
आप अपने को दुखी कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। जब बुरा कहा गया उस समय कब का जा चुका, अब तो बुरे शब्द बोलने वाला व्यक्ति भी मौजूद नहीं, वो सब तो अतीत बन चुका। अब तो ये नया पल आपके पास है, लेकिन आप दुख देने वाले विचार को छोड़ना ही नहीं चाहते। अपने मन में, अपनी कल्पना में आप बार बार वही शब्द दोहराई जा रहे हैं। ठीक से देख पाएं तो आपको समझ आएगा कि कोई दूसरा आपको दुख नहीं दे रहा, वो तो दे ही नहीं सकता। आप ही अपने को दुख में लेकर जा रहे हैं, आप ही जिम्मेवार है। और इस सब का आपने इतना अभ्यास कर लिया कि अब लाख कोई आपको समझाना चाहे, आप इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। आप कहेंगे कि जब आपको किसी ने गाली दी तो कैसे आप दुखी नहीं होंगे, आपने अपना दुखी होने का फॉर्मूला बना लिया, तरीका बना लिया। अब जरा दूसरी तरह से सोचिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो समय जा चुका, अब आप अपनी कल्पना में ही अपने को दुखी कर रहे हैं। तो फिर इसका उल्टा भी तो हो सकता है, जैसे एक कल्पना आपको दुख में लेकर जा सकती है, ठीक इसी प्रकार एक दूसरी तरह की कल्पना आपको सुख में भी ले जा सकती है। इसमें क्या मुश्किल है, आज का ध्यान अपनी कल्पना को ज्यादा से ज्यादा गहरा करने का है। अपनी कल्पना को इतना सजीव कर लेना जैसे कि सब कुछ कल्पना ना होकर वास्तव में ही घट रहा है। लेकिन इस ध्यान को करने से पहले कुछ अति आवश्यक बातों को जान लेना बहुत जरूरी है, अपनी समझ को गहरा करना जरूरी है। फिर आप समझ पाएंगे कि इस छोटी सी कल्पना, आपकी छोटी सी कल्पना शक्ति आपके जीवन में कितने चमत्कार कर सकती है, आपके जीवन को कितना आनंद से भर सकती है और आपको कितनी ऊर्जा से भर सकती है। अध्यात्म कहता है कि संसार माया है, यहाँ कुछ भी वास्तविक नहीं है। जो भी आपको दिखाई पड़ता है वो केवल आपका भ्रम है, एक माया जाल है। इसे अगर मैं आज की भाषा में समझाऊं तो कहा जा सकता है कि संसार एक वीडियो गेम जैसा है। ना तो आपका कभी जन्म होता है, ना आपकी मृत्यु। जब जन्म ही नहीं तो मृत्यु का तो सवाल पैदा ही नहीं होता, बस ऐसा आपको प्रतीत होता है। और ऐसा केवल अध्यात्म ही नहीं कहता, आज का विज्ञान भी यही जान रहा है। कल तक अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के विपरीत दिखाई पड़ते थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि दोनों की सोच एक हो रही है। जिसे अध्यात्म ने बहुत पहले जान लिया, अब वही सब विज्ञान भी जान रहा है। विज्ञान के अनुसार जो भी मैटर है, जो भी पदार्थ है, या कहा जाए कि जो भी संसार में मौजूद है, सब कुछ एटम से बन रहा है। फिर जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जाना गया, जब इसकी खोज हुई, तो फिर एटम किससे बन रहा है, एटम के अंदर क्या है, तो पाया गया एटम के ठीक बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस है, जो कि एटम के साइज से करोड़ों गुना छोटा है। एटम ही इतना छोटा है कि एक रेत के सबसे बारीक कण में करोड़ों एटम हो सकते हैं। तो फिर न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, ये आप समझ सकते हैं। अब इसमें ही सभी पार्टिकल मौजूद हैं, जैसे कि आप जानते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इसके साथ साथ सैकड़ों और पार्टिकल, जिनमें से एक विशेष पार्टिकल है हिग्स बोसोन। इसे गॉड पार्टिकल भी कहा गया है, क्योंकि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान आकार इस पार्टिकल के बिना संभव नहीं है। अब ये पार्टिकल भी न्यूक्लियस से करोड़ों गुना छोटा है। जब सब कुछ एटम से ही बन रहा है और एटम 99.999% ये कहे कि लगभग 100% अंदर से खोखला है, फिर बाकी क्या बचा, जिसे कहे कि 0.001%, तो उसे भी विज्ञान पाता है कि वो केवल एक तरंग है, जिसे स्टिंग कहते हैं। ऊर्जा की एक लहर आइंस्टीन ने पहली बार जाना कि जैसे अब तक समझा जाता था कि पदार्थ और ऊर्जा अलग अलग है, आइंस्टीन ने जाना कि वास्तव में ये दोनों एक ही है। और कितने ही तरीकों से ये सब साबित हो रहा है। इक्वल टू MC स्क्वायर बॉन्ड एनर्जी बराबर है किसी भी चीज के मास को, द्रव्यमान को। अगर हम प्रकाश की स्पीड के स्केयर से गति करवा दे तो किसी भी वस्तु को ऊर्जा में बदला जा सकता है। दूसरी तरफ अगर आप एटॉमिक एनर्जी को जानते हो तो आप जानते होंगे वो एटम जो कि रेत के कण से करोड़ों गुना छोटा है, उस एक एटम को अगर आप तोड़ दे
तो उसमें से 30 टन कोयला जलने से जितनी एनर्जी प्राप्त होती है इसी से एटम बम बनता है और इसी से बिजली भी बनती है। लेकिन फिर भी अंत में जहाँ से सब कुछ बन रहा है वो एक ऊर्जा है। आप भी, मैं भी, सभी व्यक्ति, सारा संसार इसी ऊर्जा का फैलाव है। इसी ऊर्जा को हम परमात्मा कहते हैं। इससे अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है। जहाँ से भी देखोगे, जहाँ से भी जानोगे तो आपको पता चलेगा कि अध्यात्म बिल्कुल ठीक कहता है। सब कुछ भ्रम है, माया जाल है, जिसमें फंसकर आप जीवन को सत्य मान लेते हैं। वास्तव में ये एक सपने से ज्यादा और कुछ भी नहीं। सपने में क्या अच्छे कर्म और क्या बुरे कर्म कोई अर्थ होगा? क्या जन्म और क्या मृत्यु कोई अर्थ होगा? क्या ठीक और क्या गलत कोई अर्थ होगा? चलो एक बार के लिए इन सब बातों को छोड़ भी दिया जाए कि ये संसार वास्तविक है या भ्रम, क्योंकि ये कुछ भी हो, इससे जानकर तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। ये सब आपके लिए जानना जरूरी भी नहीं, लेकिन आपके जीवन का आनंद, आपके जीवन के सुख, आपके जीवन की खुशियाँ, ये तो जरूरी होगी। ऐसा तो एक व्यक्ति भी खोजना मुश्किल है जो दुख में जीना चाहता हो। अगर ऐसा कोई मिल भी जाए जो तपस्या के नाम पर फिर ऐसी ही किसी और बकवास के नाम पर दुख में जी भी रहा हो, तो उसकी आकांक्षा भी अंत में सुख की ही है। वो भी सुख को ही खोज रहा है, बस फर्क इतना है कि वो मृत्यु के बाद का सुख खोज रहा है। मेरी इसमें कोई आस्था नहीं, इसीलिए अभी और यहीं पर मेरा सारा जोर है। तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सभी अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, सभी अपने जीवन में परमानंद को पाना चाहते हैं। इसी का अर्थ है परमात्मा को पा लेना, यानी कि परमात्मा के आनंद में उतर जाना। तो इसको पाने के लिए अगर आपको ये अपनी कल्पना में भी मानना पड़े कि ये संसार भ्रम है, तो फिर भी क्या हर्ष है। बस आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। मंजिल है आनंद, परमानंद, सुखी जीवन। मंजिल है दुखों से मुक्ति। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ किस मार्ग से पहुँचे। मार्ग कोई भी हो, बस आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा दे। हर रोज अपने भीतर इस भाव को गहरा करते जाना है कि जो भी संसार में देख रहा हूँ वास्तव में एक सपना है। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन ये सब सपने की एक कहानी है। ना तो यहाँ कोई बोलने वाला है, ना यहाँ कोई सुनने वाला। जैसे जैसे ये भाव गहरा होता जाएगा, आप अपने दुखों से बाहर आते जाएंगे। दुख भी सपने में है और सुख भी सपने में है। जहाँ दुख आपको नेगेटिव एनर्जी से भर देते हैं, वही सुख आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। फिर आप दुख के सपने क्यों देखेंगे? फिर आप दुख की कल्पना क्यों करेंगे? जब कल्पना ही करनी है तो सुख की करेंगे, प्रेम की करेंगे तो आनंद की करेंगे। आज का ध्यान केवल कल्पना करने का ही ध्यान है। वैसे तो किसी भी समय आप इस ध्यान को कर सकते हैं, लेकिन सोने से पहले अगर आप इस ध्यान को करते हुए नींद में चले जाए तो सुबह उठने के समय भी आपका यही भाव रहेगा। आपकी नींद भी आपका ध्यान बन जाएगी। अपनी आँखों को बंद कर ले, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। अब एक गहरी कल्पना में उतरते चले जाए। जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसा भी आप जीवन चाहते हैं, इस सब को अपनी कल्पना में, अपने जागते हुए सपनों में आपको इसे जीना है। कल्पना को जितना गहरा करेंगे उतना ही उसका आनंद गहरा होता जाएगा। कोई भी नेगेटिव विचार अगर मन में आए तो उसे उठाकर दूर फेंक दें। याद रखें, यही कल्पना जो आज से पहले आपको दुख में लेकर जाते थी, यही कल्पना जो आज से पहले आपकी ऊर्जा को छीन लेती थी, ऊर्जा को क्षीण करती थी, ठीक यही कल्पना अब आपको सुख के सागर में पहुंचा देगी। कल्पना करने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति चाहे कितना ही गरीब हो, लेकिन अपनी कल्पना में वो अपने को अमीर देख सकता है। बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी कारें, हवाई जहाज, कल्पना में तो कुछ भी किया जा सकता है। इसमें क्या अड़चन है? अगर कोई किसी से प्रेम करता है लेकिन उससे मिल नहीं पाता, या किसी का प्रेम एक तरफा है, तो कल्पना के लिए किसी की भी स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं, किसी दूसरे की भी जरूरत नहीं है। आप जैसा चाहे, जिसे भी चाहे, आप अपनी कल्पना में उसे गहरे से गहरा प्रेम कर सकते हैं। आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं।
अगर आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, विशेष तौर पर ऐसे रोग जो आपके मन से पैदा होते हैं, जैसे बीपी, डायबिटीज, थायराइड, दिल की बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर, या फिर चाहे वो कोई भी रोग हो, आप अपनी कल्पना में हर रोज अपने को स्वास्थ्य अनुभव करें। आप ऐसा भाव करें जैसे आपकी एक एक सांस आपको ठीक कर रही है, आप हर पल स्वास्थ्य होते जा रहे हैं। आप अगर इस प्रयोग को पूरी लगन और निष्ठा से करते हैं, अगर आप अपने भाव को गहरा करते जाते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप वास्तव में भी स्वास्थ्य होने लगेंगे। आपकी कल्पना आपके वास्तविक जीवन को प्रभावित करती है, भले ही आप केवल कल्पना कर रहे हैं। जो भी आप कल्पना में महसूस कर रहे हैं, वो सब कुछ एक भ्रम से ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन भ्रम तो हमारा सारा जीवन भी है, वास्तविक तो यहाँ कुछ भी नहीं। अब ध्यान से देखें कि आपके साथ हो क्या रहा है। सब कुछ कल्पना होने के बाद भी जिस सुख को आप अनुभव कर रहे हैं, वो सुख कल्पना नहीं है, वो आनंद वास्तविक है। इतने आनंद से जो ऊर्जा आप में पैदा हो रही है, वो काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक है, जो आपके जीवन को खुशियों से भरती चली जाती है। आप अगर हर रोज इस कल्पना के ध्यान को कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आप और दिनों की अपेक्षा अपने भीतर ज्यादा ऊर्जा अनुभव करते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि फिर चाहे धन पाना हो, चाहे पद पाना हो, चाहे फिर इस संसार में कुछ भी पाना हो, सबके लिए आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अब आपके पास इतनी पॉजिटिव ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है कि छोटी छोटी जीवन की समस्याओं को हल करना, ये तो अब आपके लिए चुटकी का खेल है। अब तक आप घबराते थे कि कहीं दुख ना आ जाए, अब तक आप डरे हुए थे, लेकिन अब सब कुछ उल्टा होगा। आप इतनी ऊर्जा से भरे हैं कि अब आप समस्याओं को आमंत्रित कर सकते हैं। आप चैलेंज कर सकते हैं कि अब आने दो, कौन सी समस्या आएगी, कौन सा दुख आएगा। अब आप सबका मुकाबला करने में सक्षम हैं। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आकर्षण के सिद्धांत के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये सिद्धांत इसी तरीके से काम करता है, जिस वस्तु को आप कल्पना में अपना मान लेते हैं, वही आपको वास्तव में भी मिल जाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जिसे आप वास्तविकता मान रहे हैं, वो भी कल्पना ही है, वो भी सपना ही है। सपने में ही मांग है और सपने में ही मिल रहा है। कभी मन के खेलों को देखो। मेरे बचपन की एक घटना है। मैं जिस छोटे से गांव में रहता था, वहां की एक महिला अपने जीवन से तंग आकर अपने को समाप्त करना चाहती थी। अपने घर के पास के दुकानदार से उसने संख्या नामक जहर मांगा। आमतौर पर संख्या, जिसका केमिकल नेम आर्सेनिक है, गांव में चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन जैसे ही उस दुकानदार ने उस महिला की हालत देखी, उसका हाव भाव देखा, उसे समझना कोई मुश्किल नहीं था कि वो क्या करना चाहती है। लेकिन उस समय उसने उसे कुछ नहीं कहा, चुपचाप संख्या की जगह नौशादर पाउडर दे दिया। नौशादर, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है, जो कि कोई जहर नहीं है, लगभग सभी खांसी की पीने वाली दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उस महिला ने तो उसे संख्या ही समझा और घर आकर पानी से निगल लिया। फिर उसने सोचना शुरू किया, अब वो मरने वाली है, तो उसे लगने लगा कि उसके पेट में तेज जलन हो रही। जो भी उसके साथ हो रहा था, सब उसकी कल्पना से हो रहा था। इसके साथ ही वो मरने के ख्याल से भयभीत हो गई। उसने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहने लगी कि मैंने संख्या खा लिया, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचाओ। भीड़ इकट्ठी हो गई। वो दुकानदार भी आ गया। उसने कहा कि हाँ, मेरे से ही तो तुम लाए हो जहर, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, मेरे पास इसका इलाज भी है। उसने बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे बोलते हैं, इसको देकर कहा, इसे पानी के साथ ले लो, जहर का असर तुरंत समाप्त हो जाएगा। ना तो जहर असली था, ना ही दवा असली थी, जहर भी भ्रम था और दवा भी। लेकिन पानी के साथ मीठा सोडा खाने के तुरंत बाद ही वो स्वास्थ्य महसूस करने लगी, पेट की जलन शांत हो गई। डॉक्टर कहते हैं कि सांप काटने से 80% से ज्यादा लोग केवल सांप के डर से मर जाते हैं, अपनी सोच से मर जाते हैं, अपनी कल्पना से मर जाते हैं, क्योंकि 10-15% सांप जहरीले होते हैं। कभी एक प्रयोग करके आप देख सकते हैं, एक दिन किसी व्यक्ति को अगर दिन भर में 4-5 लोग
जानबूझकर, बारी बारी से सब मिले, जैसे कोई पहला व्यक्ति मिले और वो देखे और उसे कहे कि आप तो बहुत कमजोर दिख रहे हैं, बीमार हो क्या? फिर थोड़ी देर बाद कोई दूसरा व्यक्ति मिले, वो भी ऐसा ही कुछ बोले। ऐसे ही चार पांच लोग उसी दिन समय समय पर उसे बोल दे तो उसे अपने पर शक होने लगेगा, उसकी ऊर्जा क्षीण होने लगेंगी। आप हैरान होंगे कि कोई बड़ी बात नहीं की, शाम होते होते वह सच में ही बीमार हो जाए। तो इसी तरकीब से आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। आप किसी को कहना शुरू करें कि क्या बात है, आज तो बहुत चमक रहे हो, क्या कोई टॉनिक वोनिक लेना शुरू कर दिया? आजकल तो कुछ ज्यादा ही रौनक दिखाई दे रही है, क्या चेहरा चमक रहा है ठीक पहले की तरह। किसी दिन चार पांच लोग भी ये कह दे तो उसे भरोसा होने लगेगा कि वो काफी स्वस्थ है। किसी बीमारी से पीड़ित भी होगा तो अपने अंदर ऊर्जा का अनुभव करने लगेगा, और सच में ये उसके अंदर का विश्वास उसके लिए औषधि का काम करेगा। यही मैंने आपको कहा, आप अपने को जितनी ऊर्जा से भरा अनुभव करोगे, जितनी ज्यादा ऊर्जा आप अपने भीतर कल्पना करोगे, वो ऊर्जा सच में आपको मिलने लगेंगी। जितनी खुशियों की आप कल्पना करोगे, उतनी ही खुशियाँ आपके जीवन में चली आएंगी, एक बार आपको इस हुनर का पता चल जाए। तो जितने भी आपको दुखी करने वाले विचार है, उनको आप पास भी नहीं फटकने दोगे। सुखी रहना, मस्ती में जीना, आनंद को अनुभव करना आपकी आदत हो जाएगी, आपका स्वभाव हो जाएगा। लेकिन आपने दुखी रहने का बहुत अभ्यास किया है, आपको आज तक दुखी दिखाया गया, आपने दुख को ही जाना, क्योंकि शुरू से ही समाज आपको कांटों से परिचित करवाता है। लेकिन इस पुराने अभ्यास को अब आपको तोड़ना है। शुरू शुरू में थोड़ी मुश्किल आपको जरूर आएगी, क्योंकि पुरानी आदत के विपरीत काम करना है। धीरे धीरे ये भाव आपके भीतर उतरता चला जाएगा, इसलिए मुझे पूरा जोर लगाना पड़ा ताकि हर तरीके से, हर उदाहरण से मैं आपको समझा सकूं। आपके चेतन मन को समझाना बहुत ही आसान होता है, उसके लिए इतने शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चेतन मन का समझ जाना बहुत अस्थाई है, जितनी जल्दी वो समझता है उतनी ही जल्दी वो सारी समझ गायब भी हो जाती है, चली जाती है। टेम्परेरी इसलिए जरूरी होता है कि एक एक शब्द से, एक एक तर्क से, एक एक उदाहरण से ये किसी तरह आपके अवचेतन में प्रवेश कर जाए, ताकि यह स्थायी रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन सके। इसलिए मैंने कहा कि आपको अगर अपने जीवन का रूपांतरण करना है तो आप इस वीडियो को बार बार सुने, इसको अपने अंतर्मन में उतर जाने दें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में